जाना। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, the power of yes and no. The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. Hello and welcome to Sports Tech. Travis Head का आतंक जो है वो जारी है और हम बार बार कहते थे कि नीली जर्सी वाले लोगों को उनसे बचकर रहना चाहिए, लेकिन इस बार वो कहर बनकर बरपे हैं स्कॉटलैंड की टीम पर और वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना दिया है SRH की तरफ से, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। जो काम ट्रेविस हेड और अभिषेक किया करते थे वो काम यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने बखूबी निभाया। वहां पर उनके जोड़ीदार बने मिचेल मार्श और कारनामा उन्होंने ऐसा किया कि आपको याद आएगा आईपीएल का वो मुकाबला जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने थे और जिसके बाद केएल राहुल की क्लास जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर ने लगाई थी जैसे ही मैच खत्म हुआ था, क्योंकि उस मैच में क्या हुआ था, तकरीबन 160-65 का स्कोर था और 9.4 ओवर्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला जीत दिया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड पावर प्ले एक तो बनाए T20 इंटरनेशनल्स में 113 रन पावर प्ले में बन जाना, ये अपने आप में इतिहास है, यानी कि अब तक का T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर प्ले। इससे पहले अगर आप बात करें तो 102 रन बनाए थे बिना किसी विकेट खोए साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में 2023 में हुआ था, लेकिन यहां पर पावर प्ले के अंदर 113 पर एक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा। और ट्रेविस हेड देखिए ये हैं जो हम कहते हैं कि मुच्छड़ भाई साहब, जिन्होंने ऐसी पिटाई लगाई कि स्कॉटलैंड और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इसको याद रखेगा। 25 गेंदों में 80 रन बनाए, 12 चौके यहां पर और 5 आपको छक्के देखने को मिले इस मैच में। हालांकि एक्साइटमेंट जो सबसे पहले एक्साइटमेंट थी वो थी जिनको प्यार से कहते भी एक्साइटमेंट मशीन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, लेकिन उनका क्या हुआ डेब्यू पर जीरो हो गया तो उनके लिए तो कुछ यादगार रहा नहीं, लेकिन ट्रेविस हेड ने यह काम यहां पर बखूबी निभाया। और अब आपको बताते हैं कि ओवर दर ओवर किस तरीके से ट्रेविस हेड ने पिटाई करी थी 113 पर एक 6 ओवर्स में, और इसमें आप देखिए पहला ओवर तो हल्का ही आया, यानी कि पहले ओवर में सिर्फ 5 रन थे, इनफैक्ट दूसरा भी आप ओवर देखेंगे तो ठीक ठाक रहा 13, लेकिन इसके बाद जो है कुटाई शुरू होती है। तीसरे ओवर में 20 रन, चौथे ओवर में 19 रन, पांचवें ओवर में देखिए 30 रन, पांचवें ओवर में 30 रन, ये था जैक जार्विस का ओवर जहां पर मिचेल मार्श ने छक्का छक्का फिर चौका फिर एक छक्का और फिर दो चौके इस तरीके से फिनिश किया और 30 रन बनाए। फिर आता है छठा ओवर, यहां पर ट्रेविस हेड ने बोला ब्रैड व्हील को कि मैं आपको जो है अब देखिए किस तरीके से आपकी गाड़ी जो है चक्के जो आपकी गाड़ी के खोल दूंगा एक एक करके, और उन्होंने मारे 26 रन। इस ओवर का सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा था कि चौका छक्का और फिर फिनिश करने के लिए आपको 4 चौके मिले, तो यहां पर एक के बाद एक ओवर में जैसे पिटाई लगी तो 113 रन बन गए। इनफैक्ट अगर पावर प्ले के अंदर किसी बल्लेबाज द्वारा रन आप देखेंगे तो वो भी ट्रेविस हेड के नाम हो गया रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने जो 22 गेंदें फेस करी वहां पर उन्होंने बनाए 73 रन। और आपको याद होगा कि कल ही हमने स्टोरी करी थी कि जी बेसबॉल आ रहा है T20 क्रिकेट में और वहां पर ब्रेंडन मैककलम और उनकी टीम जो है 300 का आंकड़ा देखेगी T20 में करना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोल रही है कि हम कहीं पीछे नहीं है और ये ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, जेक फ्रेजर मैकगर्क आज नहीं चले। स्कॉटलैंड के लिहाज से वैसे बड़ी खुशी हो रही थी कि स्कॉटलैंड को क्रिकेट मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया वहां पर जा रही है, लेकिन इस तरीके का मैच जहां पर 9.4 में ही रन चेज कंप्लीट हो जाए, यानी कि अभी भी 62 गेंदें बची हुई थी। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जैसे कि सिमिलर लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का जो मुकाबला हुआ था कुछ उसी तरीके से मैच रहा और ट्रेविस हेड ने एक बार फिर जो है महफिल लूटी। आप देख भी रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल ट्रेविस हेड का बनता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पावर प्ले में 113 पर एक। आपको क्या लगता है क्या ये आंकड़ा टूटेगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ओपिनियन दें आप जाकर प्रोबो पर, जहां पर अगर आप सही साबित हुए तो आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।